नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन द सॉलिड्स विच द नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस आर अगेन थोड़ा सा यहाँ पे शब्दों का हेरफेर हो गया ऑप्शन होएगा आपका इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स नाउ uh, इसको ऐसे समझना मेटल्स के लिए जो हम रेजिस्टेंस लिखते हैं उसको हम लिखते हैं आर आर नॉट वन प्लस वन माइनस एल्फा डेल्टा टी ये हम कहते हैं फॉर कंडक्टर्स आपका एल्फा जो है वो पॉजिटिव होएगा दिस दॉट वी से और फॉर सेमी कंडक्टर्स और अपने इंसुलेटर उसके लिए हम कहते हैं अल्फ़ा जो है वो आपका नेगेटिव होएगा यहाँ पे आपका सेमी कंडक्टर्स का तो डेफिनेटली नेगेटिव uh, होता है जिसको हम पढ़ते पढ़ाते भी हैं अपने उसमें इसके ऊपर सवाल भी सॉल्व करते हैं इंसुलेटर uh, का भी कुछ इंसुलेटर्स हैं जिनका नेगेटिव होता है जैसे कार्बन है एमॉरफर्स उसका नेगेटिव होता है uh, लेकिन हर किसी का नेगेटिव होता है या डेटा हमारे पास मेरे पास अवेलेबल आई एम गोना बी ऑनेस्ट सो इफ़ चॉइसेस जो दे रखी है वो है सेमीकंडक्टर ओनली एंड इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स सो डेफिनेटली सेमीकंडक्टर्स ओनली इज इज वन ऑफ द राइट आंसर पर यू क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स दे रखा है और इंसुलेटर्स uh, का पॉजिटिव तो नहीं होता है ठीक है सो तो देट माइट बी अ बेटर चॉइस सो अगर मैं होता है एग्जाम हॉल में तो शायद मैं इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स पिक करता जस्ट फॉर देट पर्टिकुलर डाउट बट देट्स अ रिस्क देट वी आर टेकिंग सो इसका आंसर सेमी कंडक्टर ओनली भी हो सकता है और इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स बट आई वुड हैव चोजन इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स